ये मशरूम मिल गया, लेकिन ये अच्छा नहीं है अभी, ये जहरीला मशरूम है, इसको खाना नहीं चाहिए। तो देखते हैं अभी, यहाँ हमारे कुदरती जंगलों में मशरूम उगते हैं, अभी मैं निकालता हूँ, कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएंगे, ढूंढते रहता हूँ। तो बने रहिए गाइज मेरे ब्लॉग में, एक आध मशरूम दिखेंगे तो मैं आपको ज़रूर इस ब्लॉग में मशरूम पक्का दिखाऊंगा। मेरा ये ब्लॉग ही मशरूम के प्रति बना है कि मैं मशरूम ढूंढने आया हूँ। गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस गुड मॉर्निंग, सुबह का टाइम है और गाइस आज हो रही है, मतलब सुबह से स्टार्ट हो गई थी 4 बजे से बारिश होना, और मौसम भी एकदम अच्छा हुआ है, बहुत बढ़िया, ना गर्म है ना ठंडा है, मीडियम मौसम है। ऐसे भी सितंबर का महीना चला है तो अब थोड़ा थोड़ा करके अब ठंडा स्टार्ट हो जाएगा, अक्टूबर नवंबर में यहाँ ठंडा हो जाता है। और सामने से देख सकते हैं, मतलब आज बहुत खूबसूरत, एकदम जितनी भी पॉल्यूशन थी, जितनी भी प्रदूषण थी, बारिश ने बिल्कुल क्लीन बना दी है। सामने से भी अच्छा नज़ारा दिखने को मिल रहा है अभी सुबह सुबह के टाइम पे। और गाइज मैं आपको मुर्गियाँ भी दिखाऊंगा, चारा खिलाने जाना है मुझे उनको, तो वो भी चीज़ दिखाऊँगा। सुबह का जो मैं काम करता हूँ वो सारी चीज़ें आपको आज इस वीडियो इस ब्लॉग में दिखाऊँगा। फिलहाल तो अभी आप सुबह सुबह सामने का नज़ारा देख लीजिए, ये देख सकते हैं, काफ़ी बेहतरीन और ख़ूबसूरत नज़ारा देखने को मिल रहा है सुबह का। और जो ये दिख रहे हैं आपको, ये आधा पहाड़ है, पर कोई इसमें वो आए हैं, कोहरा आया है नीचे, तो बारिश होगी और क्योंकि बरसात का मौसम है, देख सकते हैं। और 3 ड्रम फुल हैं पानी के, गाइस मैं जो ये आटा गूंद रहा हूँ इसमें मैंने हरा चारा मिक्स करा है, तो मैं इसको मुर्गियों को खिलाऊंगा। इसको अच्छी तरह से पानी डाल के गूंद लेता हूँ और फिर इसको मुर्गियों को खिलाना ज़रूरी है, रोज़ सुबह का काम है, थोड़ा उनको थोड़ा सेहत में अच्छे हो जाएंगे ये चारा खिला के। और काफ़ी दिनों से मैं इसको यही मुर्गियों को यही चारा खिलाता आ रहा हूँ, तो बने रहे मेरे ब्लॉग में हम मुर्गियों। गाइस ये रही हमारी मुर्गियाँ, तो इनको चारा खिलाना बहुत ज़रूरी है, तो मैं इनको चारा दे रहा हूँ, ये अपना चारा जमीन में गिरा रहा हूँ, तो ये ढूँ ढूँ के खा रहे हैं और काफ़ी ठीक हो चुके हैं। बहुत फर्स्ट फर्स्ट में तो बहुत छोटे आए थे, और थोड़ी मेहनत तो और इनके पीछे 2-3 महीना तो ये ठीक हो जाएंगे। तो गाइस बने रहे हैं मेरे ब्लॉग में। फाइनली गाइस अब मैं करके सारे काम निपटा के मुर्गियों को चारा दे के और फ्रेश होके अपना काम के लिए निकल रहा हूँ। तो गाइस मैं भी पहुँचा हूँ रास्ते में, और रास्ता जो बीच में पूरा जंगल पड़ता है, बीच में कोई भी घर नहीं पड़ेगा। आप बने रहें मेरे ब्लॉग में, मैं आपको दिखाते हुए चलते रहूँगा। और गाइस देख सकते हैं चारों तरफ हरियाली छाई हुई है हमारे उत्तराखंड में, और बारिश भी हुई थी सुबह के टाइम पे। और अब मुझे जाना है यहाँ से ऊपर, थोड़ा दूर है तो वहाँ पहुँचूँगा मैं, 10-15 मिनट लगेंगे मुझे वहाँ पहुँचने में, और पूरा ऊपर तक पूरी चढ़ाई चढ़ाई है, तो काफ़ी खूबसूरत नज़ारों के साथ बने रहे मेरे ब्लॉग में। लेके चलता हूँ मैं आपको चौपाता गांव। गाइस ये रात चौपाता यहाँ का चर्च, और मुझे जाना है यहाँ से घर। काफ़ी खूबसूरत नज़ारा, और काफ़ी घनी जगह से निकलते हुए जाना है। भाई भाई जब भी मैं पहुंच चुका हूँ
घर से वापस। और ये रही मेरी सीमेंट प्लास्टर वगैरह काम करने वाली करनी है, तो आज हो गई है छुट्टी, क्योंकि बरसात का भी मौसम हो रहा है और मिस्त्री जी के भी पता नहीं क्या प्रॉब्लम होगी, गर्दन में दर्द हो रहा था उनका वैसे ही इधर से, तो अब इस वजह से मुझे आज सुबह 9 बजे मैं बैक हो चुका हूँ घर को, आधे रास्ते में पहुँचा हूँ। और देखते हैं आज घर में आज छुट्टी बनाते हैं, फिर आज छुट्टी डे हो गया, फिर कल से स्टार्ट हो जाएगा अपना काम। गाइस काफ़ी सारे हमारे जो उत्तराखंड में पेड़ है काफ़ी अच्छे दिखते हैं और एकदम शांति का माहौल है, साइलेंट, ना घिच घिच ना बीच बीच कुछ नहीं होती इधर, एकदम साइलेंट करके होता है। मन की शांति के लिए लोग बहुत दूर से इधर घूमने को भी आते हैं, प्लेन से हरियाणा बहुत दूर दूर से यहाँ घूमने को आते हैं, नैनीताल और मुंशारी काफ़ी फेमस जगह है इधर, तो घूमने के लिए काफ़ी लोग आते हैं क्योंकि उनको शांति चाहिए, शांति का माहौल चाहिए। और यहाँ दिख मतलब एक व्यू जो देखने में बहुत प्यारा लगता है, पहाड़ों के बने हुए कटिंग में अलग अलग टाइप के पहाड़ और बहुत सारे पेड़, मतलब हिमालय पर्वत काफ़ी खूबसूरत नज़ारा। और यहाँ का वेदर क्लाइमेट भी बहुत अच्छा है, शुद्ध वातावरण है एकदम, ना कोई पॉल्यूशन है क्योंकि यहाँ कोई फैक्ट्री भी नहीं है दूर दूर तक, तो काफ़ी अच्छा पॉल्यूशन रहता है यहाँ हमारे उत्तराखंड का। और पेड़ तो भैया छोटे से लेके बड़ा हर पेड़ मिले है, सबसे छोटा पेड़ मतलब देख सकते हैं आप, हमारे वहाँ इतने सारे पेड़ होते हैं चारों तरफ। ये जो सामने दिख रहे हैं बांस के पेड़ हैं, ये है बजाणी, यहाँ बांस के पेड़ हैं, तो हमारे गांव में ठंडा होता है, जहाँ बांस के पेड़ ज़्यादा होते हैं तो वहाँ ज़्यादा ठंडा होता है। और ये चीड़ के पेड़ हैं, सल्ला बोलते हैं मुझको चीड़ के, ये देख सकते हैं आप, मतलब दो ज़्यादातर आपको चीड़ के पेड़ ज़्यादा दिखाई देंगे, काफ़ी मोटे और काफ़ी पुराने विशाल पेड़ हैं ये, और काफ़ी खूबसूरत, मतलब जो मायने में दिखाया है ना, काफ़ी खूबसूरत हरियाली देखी जाती है। और मैं जो अभी आया हूँ यहाँ के रास्ते आया हूँ, काफ़ी खूबसूरत सी जगह है, काफ़ी अच्छी जगह, और मन की गहराई से देखा जाए तो काफ़ी अच्छा महसूस होता है इधर। और मुझे निकलना है अभी यहाँ से आगे को। ले लेना कहाँ तो काट देते यार, गाइस देख सकते हैं फाइनली मुझे मशरूम मिल गया, लेकिन ये अच्छा नहीं है अभी, ये जहरीला मशरूम है, इसको खाना नहीं चाहिए। तो देखते हैं अभी, यहाँ हमारे कुदरती जंगलों में मशरूम उगते हैं, अभी मैं निकालता हूँ, कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएंगे, ढूंढते रहता हूँ। तो बने रहिए गाइस मेरे ब्लॉग में, एक आध मशरूम दिखेंगे तो मैं आपको ज़रूर इस ब्लॉग में मशरूम पक्का दिखाऊंगा, मेरा ये ब्लॉग ही मशरूम के प्रति बनाया कि मैं मशरूम ढूंढने आया हूँ। फाइनली गाइस हम लोग वापस आ चुके हैं, तो हमें वहाँ पे कोई मशरूम नहीं मिला, मिले तो जहरीले थे वो, उनको खा नहीं सकते क्योंकि उनसे बिल्कुल मौत हो जाती है और वो खाने नहीं चाहिए, क्योंकि अच्छे वाले जो मशरूम निकले थे वो कल निकल चुके थे, जिनमें कीड़े पड़ चुके थे, तो जो अभी निकले वो ख़राब थे और उनको हम खाएंगे नहीं। तो आज हम लोग मशरूम लेने में असफल रहे, और बाकी आज का दिन तो छुट्टी डे मना रहे हैं आज, आज घर में है, तो सामने का खूबसूरत नज़ारा काफ़ी खूबसूरत दिख रहा है, पूरे जंगल में घुमा दिया और
ये रहा हमारा जंगल और सामने से यहाँ से दिखते हैं खूबसूरत से पहाड़ और मुझे यहाँ से निकलना है घर को। गाइस फाइनली अब मैं पहुँच चुका हूँ घर के थोड़ा सामने और काफ़ी अच्छी पेड़ पौधे काफ़ी अच्छे लगे हैं और देख सकते हैं आप लोग ये फूल काफ़ी प्यारा दिख रहा है। ये पर्पल कलर में है ये फूल देख सकते हैं आप काफ़ी खूबसूरत। और एक फूल यहाँ पे भी लगा हुआ है ये काफ़ी खूबसूरत शो दे रहा है ये इस जंगल को इस बूढ़ को इस रास्ते को काफ़ी अच्छा कुदरती फूल हैं ये तो ऐसा मौका तो बहुत कम मिलता है देखने को। और सामने भी लगे हुए हैं ऐसे ही देख सकते हैं आप ये और यहाँ पे तो काफ़ी सारे फूल लगे हुए हैं और ये काफ़ी खूबसूरत सा दिख रहा है ये नज़ारा। देख सकते हैं गाइस और काफ़ी खूबसूरत सा फूल लगा हुआ है बहुत ज़्यादा खूबसूरत है ये फूल देख सकते हैं इतना प्यारा है ये इतनी सारे भूड़ के बीच में एक ही फूल खिला हुआ है जो काफ़ी शो दे रहा है इस चीज़ को। अब मुझे निकलना आगे और पैर भी संभाल के चलने क्योंकि इसमें है ऐसा फिसलने वाले पत्थर हैं तो शार जमा हुआ है एकदम कमर टूट जाएगी थोड़ी सी गलती पड़ जाएगी भारी और पत्थर ही पत्थर है। तो एक रास्ता जा रहा है यहाँ से नीचे को तो मुझे जाना है इधर पूर्व से होते हुए और जो मैं फूल कह रहा था आपसे देख सकते हैं यहाँ पे लगे हुए हैं ज़्यादा। फाइनली गाइस मैं दिन में मशरूम के लिए भी गया था और जंगल में भी आपको दिखाया और उसके बाद मैं भी आके रूम में बैठ चुका हूँ और थकान भी लग चुकी है। तो कभी आपने देख ही लिया और मशरूम कोई अच्छे मिले नहीं हमको तो मैंने फेंक दिए वो जहरीले मशरूम थे तो इस वजह से मेरी वीडियो आज की इतनी बनी आज का ब्लॉग। और गाइस अगर अगर आपको मेरी ये ब्लॉग पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर ज़रूर कर दीजिए दोस्तों। ओके दोस्तों बाय बाय लव यू।